कुरान में तीन ऐसे अजीब और पुरेसरार नंबर्स का जिक्र है जिन नंबर्स को इस तमाम कायनात का सतून कहा जाता है। ये नंबर्स हैं 3, 6 और 9। निकोला टेस्ला ने कहा था कि अगर आप नंबर 3, 6 और 9 की अजमत को जान गए तो इस पूरी कायनात की चाबी आपके हाथ में होगी। अब इन नंबर्स में वो क्या खास राज है कि जिन नंबर्स का जिक्र कुरान में भी आया और मौजूदा दौर के सबसे काबिल साइंसदान निकोला टेस्ला ने भी इन नंबर्स की अजमत बयान की। ये वो नंबर्स हैं जिनकी हकीकत जानकर निकोला टेस्ला हमारी इस अजीम कायनात का राज मालूम कर पाए थे। निकोला टेस्ला ने इन नंबर्स का राज जानकर ये कहा था कि हमारी पूरी कायनात में मौजूद हर एक चीज एक सिंपल कानून के तहत काम करती है। टेस्ला ने इस कानून को द फिंगर प्रिंट्स ऑफ गॉड यानी खुदा की उंगलियों के निशान कहा। कुरान में अल्लाह का इरशाद है, अल्लाह जिसको चाहता है हिकमत अता करता है और जिसको हिकमत मिली उसे हकीकत में बड़ी दौलत मिल गई। इन बातों से सिर्फ वही लोग सबक लेते हैं जो दानिशमंद हैं। निकोला टेस्ला को हकीकत में जहानत मिली थी जिसने अपनी जहानत के इस्तेमाल से इन तीन नंबर्स का राज मालूम कर लिया था, लेकिन अल्लाह की मर्जी नहीं थी कि वो ये राज अभी दुनिया को बताते। इसलिए जब तक लोग ये जानते कि उसने क्या राज मालूम किया था उसकी मौत हो गई और उसका ये राज राज ही रहा। यहाँ तक कि मौजूदा दौर में चंद साइंसदानों ने टेस्ला के इस खास कोड को तोड़ने की कोशिश की ताकि वो मालूम कर सके कि टेस्ला को इस कायनात का कौन सा गहरा राज मालूम हो चुका था। टेस्ला के मुताबिक इस पूरी कायनात में हर एक चीज की मालूमात एक खास कोड यानी 3, 6 और 9 में मौजूद है। ये तीनों नंबर्स नंबर 3 पर तकसीम होते हैं जिन नंबर्स में इस कायनात की बुनियाद का गहरा राज पोशीदा है। एक इंसान की पैदाइश एक सिंगल सेल से होती है जिसे जायगोट कहा जाता है। ये एक सेल तकसीम होकर दो सेल्स बनाता है जो आगे मजीद तकसीम होकर 4 सेल्स में तब्दील हो जाती हैं, फिर 8, फिर 16, फिर 32 और इसी तरह चलता रहता है। अब अगर इन नंबर्स की एक लिस्ट बनाए जो हर एक सेल की तकसीम के बाद बनते हैं तो ये इस तरह नजर आएगा। अब इन तमाम नंबर्स के हर सिंगल नंबर को जमा करें तो ये इस तरह नजर आएगा। नंबर्स को जमा करने के इस तरीके को रियाजी में डिजिटल रूट कहा जाता है, जिसमें गौर करने पर आपको मालूम होगा कि 32 के बाद ये पूरी तकसीम दोबारा शुरू हो जाती है यानी 1, 2, 4, 8, 7 और 5। अब इन नंबर्स में कहीं भी नंबर 3, 6 और 9 नजर नहीं आता। अब ऐसा क्यों? तो इसके पीछे एक जबरदस्त वजह है। 1, 2, 4, 5 और 7 के नंबर्स हमारी 3-डायमेंशनल दुनिया को जाहिर करते हैं जिसमें हम रहते हैं और देखते हैं, जबकि नंबर 3, 6 और 9 एक और डायमेंशन को जाहिर करती हैं जो हमारी डायमेंशन से कहीं ऊपर और एक और जहां में है जिसे 4th डायमेंशन कहा जाता है, जो बाकी नंबर्स के ऊपर आते हैं। लेकिन हैरानकुन तौर पर ये नंबर्स हमारी इस दुनिया का हिस्सा ही नहीं। मजीद समझने के लिए एक और मिसाल लेते हैं। अगर आप 3 से शुरू करें और हर दफा उस नंबर को डबल करते जाएं, तो उन नंबर्स की लिस्ट ये होगी। अब इन नंबर्स का डिजिटल रूट लें जैसे कि हमने पहले किया था, तो क्या आपको नजर आ रहा है कि इन नंबर्स का डिजिटल रूट सिर्फ 3 और 6 आता है और कोई नंबर इनमें शामिल नहीं? इनमें नंबर 9 भी नजर नहीं आता, और ऐसा ही अगर आप नंबर 6 के साथ भी करें तब भी नंबर 3 और 6 ही नजर आएंगे, जबकि नंबर 9 यहां भी गायब होगा। अगर आप ये अमल नंबर 9 के लिए दोहराएं और उन नंबर्स का डिजिटल रूट लें तो हैरानकुन तौर पर उन तमाम नंबर्स का डिजिटल रूट 9 ही आएगा, ना नंबर 3 ना ही नंबर 6 यहां नजर आएगा। अब ऐसा इसलिए है कि नंबर 3 और नंबर 6 बाकी के तमाम नंबर्स को कंट्रोल करते हैं, जबकि नंबर 9 इन तमाम नंबर्स के ऊपर इनको कंट्रोल करता है। मजीद समझने के लिए एक दायरे यानी सर्कल की मिसाल लेते हैं। इस सर्कल का जो दरमियानी एंगल बन रहा है इसका डिजिटल रूट नंबर 9 है। अब इसको आधा करें तो ये 180 डिग्री आएगा,
जिसका डिजिटल रूट अगर आप लें तो ये भी नंबर 9 ही आएगा, यानी 1+8 का जवाब 9 आएगा। अब जहां तक आप इसको आधा करते रहेंगे तो हर बार इसका डिजिटल रूट 9 ही आएगा। अब आपके ख्याल में क्या ये महज एक इत्तेफाक हो सकता है या नंबर 9 का यहाँ एक अहम किरदार है? हमारी ये कायनात एक डिजिटल फ्रिक्वेंसी पर चल रही है जो कि 432 हर्ट्ज़ है। अब आप देख सकते हैं कि 432 हर्ट्ज़ का डिजिटल रूट भी नंबर 9 ही आता है। हमारे निज़ाम शमसी में 9 सयारे हैं। सूरज के डायमीटर का डिजिटल रूट 9 आता है। एक घंटे में 3600 सेकेंड्स होते हैं और 3600 का डिजिटल रूट भी 9 आता है। एक दिन में 86400 सेकेंड्स होते हैं। एक बार फिर 86400 का डिजिटल रूट भी 9 आता है। इसी तरह अगर आप एक हफ्ते या एक महीने यहाँ तक कि एक साल में जितने सेकेंड्स आते हैं इनका डिजिटल रूट लें तो ये भी नंबर 9 ही आएगा। अब इन तमाम बातों से वाजे है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता और हमें ये मानना होगा कि इस पूरी कायनात को नंबर 9 ही कंट्रोल करता है। इसी तरह कुरान में टोटल अल्फाजों की तादाद 304,740 है, आयात की तादाद 6,666 है, रुकू की तादाद 540 है, टोटल 114 सूरतें हैं और 30 पारे हैं। अब इनका डिजिटल रूट लें तो 304,740 का डिजिटल रूट 9 आता है, 6,666 का डिजिटल रूट 6 आता है, 540 का डिजिटल रूट 9 आता है, 114 का डिजिटल रूट 6 आता है और 30 का डिजिटल रूट 3 आता है। यानी कुरान की ये तमाम कैलकुलेशन इस खास कोड में है जो कि नंबर 3, 6 और 9 है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, बेशक हमने हर चीज एक अंदाजे से पैदा फरमाए। इस तमाम कायनात में अल्लाह का एक जबरदस्त मंसूबा मौजूद है जिसके तहत ये पूरी कायनात काम कर रही है। अल्लाह ने ये कायनात एक बेहतरीन हिकमत अमली से पैदा फरमाए और वो मुलहित और काफिर जो ये कहते हैं कि ये कायनात तो खुद ब खुद वजूद में आई और खुद ब खुद ही काम कर रही है, तो इन सब के लिए ये कोड गौर व फिक्र की दावत देता है। जिस कोड के तहत इस कायनात में मौजूद हर सितारा, हर सयारा और एक एक जर्रा काम कर रहा है। ये खूबसूरत पैटर्न इतना पेचीदा है कि आज तक इंसान इसको समझ नहीं पाया और शायद अल्लाह ने निकोला टेस्ला को इस पेचीदा पैटर्न को एक खास हद तक समझने की ताकत अता कर दी थी, लेकिन वो तमाम मालूमात उसके साथ ही इस दुनिया से चली गई। अब इसमें अल्लाह का क्या रास्ता, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ें। मिलते हैं एक और मालूमाती वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।